उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आबकारी विभाग कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहा है। आबकारी अधिकारी ऊधम सिंह नगर के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 खटीमा लालू राम के नेतृत्व में नानक मत्ता क्षेत्र के अंतर्गत कच्ची पक्की खमरिया गांव के पास नाले में दो चलती हुई भट्टियां नष्ट की गई और 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। लगभग 2000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। इससे पूर्व भी आबकारी विभाग खटीमा द्वारा जगह जगह दबिश देकर सैकड़ों लीटर लहन नष्ट किया गया और कच्ची शराब बरामद की गई। दबिश टीम में जगदीश कुमार, नितेश भारद्वाज, दीपक चंद्र, पंकज जोशी आदि आबकारी सिपाही मौजूद रहे। ये हमारे द्वारा पूरी एक्साइज टीम खटीमा के साथ में थी और ये चुनाव आयोग दो ये लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत रखते हुए श्री अशोक कुमार मिश्रा जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में हमारे द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और जहाँ भी हमें मुखबिर से सूचना मिलती है उन जगहों पर जाके तमाम भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। आज भी हमारे द्वारा जो है कि कच्ची खमरिया और पक्की खमरिया क्षेत्र में नदी किनारे जो है दबिश दी गई जहाँ पे भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया लगभग 2000 केजी के आसपास और दो चलती हुई भट्टियों को भी नष्ट किया गया। सारे उपकरण उसके नष्ट किए गए। साथ ही वहाँ पर से हमारे द्वारा 40-40 लीटर एक एक ट्यूब में टोटल 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इससे पहले भी हमारे द्वारा जो है कि ये उत्तर प्रदेश को एक्साइज को साथ लेके दबिश दी गई थी उस समय तमाम भट्टियाँ नष्ट की गई। बीच में फिर वन रेंज ये सुरे रेंज में रघुलिया जंगल के आसपास जो है वहाँ भी दबिश दी गई। वहाँ भी 1500 के जी लहन और 80 लीटर शराब बरामद की गई थी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।